हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोजार। दिस इज रोहित शर्मा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो दिस इज आर इसरो टॉक #2। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट इनटू इसरो। यार, देर आर वेरियस वेज बाय विच वी कैन गेट इनटू इसरो। ओके, देर आर मेनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, इसरो साइंटिस्ट, इसरो टेक्नीशियन, इसरो ड्राफ्टमैन, और आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी मेथड, ईच एंड एवरी वे रिलेटेड टू हाउ टू गेट इनटू इसरो। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग These ways how we can get into ISRO, okay? So उससे पहले मैं आपको एक कोड शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करा था। अपने कॉलेज लाइफ में जब मैं था, मैंने अपने उसको बहुत ही बढ़िया कोड है और मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करा है और आज भी इंप्लीमेंट करता हूँ। तो मैं आपके साथ वो कोड शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी बैक पे इधर साइड में लगा हुआ है, ठीक है? इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन help you. If you are willing to learn, no one can stop you. ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको लर्निंग एटीट्यूड है आपके अंदर, ठीक है, तो आपको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगर लर्निंग एटीट्यूड है ही नहीं तो समझ लो आप कुछ कर भी नहीं सकते। सही है, तो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई थॉट टू शेयर विद यू, देयरफॉर आई एम शेयरिंग दिस कोड विद यू। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग, हाउ टू गेट इनटू इसरो, ऑल द various ways we can get into ISRO, okay, on our whiteboard, okay? So please watch the video, watch the whole video, okay? And don't forget to like and share the video and please subscribe the channel for further updates, okay? So let's start the video. Okay, so let's start the video, how to get into ISRO, okay? There are three ways from which you can get into ISRO. First is, अगर कोई भी स्टूडेंट है क्लास 12th में है, ठीक है, इस टाइम पे क्लास 12th में है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th में अगर आप साइंस साइड से कर रहे हो तो क्लास 12th में आप जेई एडवांस का पेपर, ठीक है, सबसे पहले आपको जेई मेन का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा तभी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। इफ आप जेई एडवांस के थ्रू आप IIST के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके, अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं उसके थ्रू आप डायरेक्ट एंट्री हो जाती है आपकी इसरो के अंदर एज अ साइंटिस्ट। Okay, so first, what is the eligibility criteria for this? This is recruitment after 12 through JEE Advanced. And second, for ISRO, you have to maintain a CGPA of around 7.5 in your grad, in your graduation. Okay, so this is one way to get into ISRO by IIST after class 12. Okay, second way to get into ISRO is, that is direct recruitment from IITs and NITs. ठीक है, अब ISRO जो है IITs और NITs में डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज, दैट इज ICRB, दैट इज इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, जहां पे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी कोई से भी कॉलेज से बिलोंग करता हो, चाहे हमारा टीयर 1 कॉलेज हो, टीयर 2 कॉलेज हो या टीयर 3 कॉलेज हो, चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे वो ITI स्टूडेंट हो, ठीक है, तो वो भी हमारे इसरो के अंदर एंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम। फर्स्ट वन इज इसरो साइंटिस्ट, दैट इज बेस्ड अपॉन, प्योरली बेस्ड अपॉन योर बीटेक, ओके, द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर दिस इसरो साइंटिस्ट इज बीटेक, ओके। सो सेकंड वन इज इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, दिस एग्जाम इज बेस्ड अपॉन द डिप्लोमा स्टूडेंट, बेस्ड अपॉन डिप्लोमा, ओके। नाउ सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक करा है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, बिकॉज जो मेनली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिप्लोमा है, ठीक है। तो इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है, प्लस जो स्टूडेंट बीटेक कर रहे हैं डिप्लोमा के बाद जो लेटरल एंट्री होती है बीटेक के अंदर सेकेंड ईयर, वो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जैसे ITI के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ITI स्टूडेंट्स के लिए इसरो टेक्नीशियन का एग्जाम निकलता है या इसरो ड्राफ्टमैन का एग्जाम निकलता है, तो ये दो एग्जाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ITI स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम्स के थ्रू जाके इसरो के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको ये वैकेंसीज बता रहा हूं क्या क्या हमारे इसरो साइंटिस्ट है, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, क्या क्या वेरियस पोस्ट निकलती है इसरो के एग्जाम में, ठीक है। अब जो हमारी इसरो टॉक जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, सीरीज के अंदर इसरो टॉक जो #3 में लेकर आ रहा हूं, तो मैं एक एक पोस्ट को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। जैसे इसरो साइंटिस्ट है, तो इसरो साइंटिस्ट का मैं आपको क्या आपका प्लेसमेंट, क्या आपकी पैकेज होता है वहां पे, ठीक है, क्या आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है, क्या आपका सिलेबस है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, सबके लिए मैं वीडियो
बनाऊंगा, शेयर करूंगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसरो साइंटिस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए या टेक्नीशियन या ड्राफ्ट मैन के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं 3 वेज बता रहा हूँ जहां पे आप इसरो के अंदर स्टूडेंट इसरो के अंदर जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, जैसे ब्रदर या सिस्टर है जो इस टाइम पे क्लास ट्वेल्थ में, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेईई एडवांस के थ्रू भी आप IISc क्लियर कर सकते हो और वहां पे आप जाके इसरो में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हो इसरो साइंटिस्ट के तौर पर, ठीक है। सो सेकंड इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम IITs एंड NITs, एंड थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ICRB, दैट इज इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, टोटल 4 पोस्ट आर देयर, इसरो साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड ड्राफ्टमैन। ओके, अब कुछ पोस्ट ऐसी भी निकलती है जो बच्चे जैसे फिजिक्स ऑनर्स, BSc फिजिक्स कर रखी है, ठीक है, फिजिक्स ऑनर्स के बेस पे या अदर ब्रांचेस के बेस पे भी कुछ पोस्ट निकलती है, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगा, आगे मैं शेयर जरूर करूंगा उन पोस्ट को, ठीक है। एंड सेकेंडली, जो वैकेंसी जिन बीटेक, कौन सी बीटेक ब्रांचेस के लिए सर निकलती है, ठीक है, उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आगे वीडियोस के अंदर। लेकिन जो मेनली 3 ब्रांचेस जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है, सबसे ज्यादा इस टाइम पे सबसे ज्यादा वैकेंसी निकल रही है, तो वो मैकेनिकल के लिए निकल रही है, ठीक है। सेकंड हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो भी ज्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन हाँ, हर सेंटर में अराउंड 5 to 6 वैकेंसीज होती है, अभी तो शायद 8 to 10 वैकेंसीज है, तो इतनी वैकेंसीज होती ही है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज निकलती, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस टाइम वैकेंसीज है वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और नंबर 1 पे मैकेनिकल की वैकेंसी ज्यादा निकलती है यहाँ पे, ठीक है। और जो आपके मेनली सेंटर्स हैं, BSsc, URSc, HSFC, जो भी आपके मेनली सेंटर्स हैं, तो जहां जहां हमारी वैकेंसीज निकली है, ठीक है। तो जब भी हमारा एग्जाम वगैरह होगा, तो उसका मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी, तो एग्जाम डेट हमारी कब हो सकता है एग्जाम, जो अप्रोक्सीमेट जो डेट हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू वेरियस एग्जाम, तो उस हिसाब से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड और आप शेयर भी कर सकते हो कि सर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स दिए थे मुझे, ठीक है, कि सर इस पे वीडियो बनाइए, तो उस कमेंट्स के बेसिस पे मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा आने वाले इन फ्यूचर में। और रेगुलर वीडियोस पर वीक आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, एवरी वीक आपको इसरो टॉक की एक वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। सो ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वेदर इट इज इसरो साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन एंड ड्राफ्टमैन, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज इसरो टॉक #3। ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।